नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज मैं बात करने वाला हूं अपने कोर्स के एक इनरोल्ड मेंबर जिनका की स्टार्टअप है क्लाउड किचन का बेंगलुरु सिटी में। इनका नाम अर्पित वर्मा है। टोटल मैं इनकी स्टोरी आपको बताने वाला हूं, इन्होंने किस प्रकार से स्टार्टअप किया पहले या क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा यंग है, इनकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है। अब अर्पित जो है बेसिकली ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मेरे घर के काफ़ी करीब ही रहते हैं। जब इनसे बात करी तब मुझे मालूम पड़ा इनके जो फादर है वो बिजनेसमैन है, तो इनके अंदर जो बिजनेस का जो कीड़ा है आप वो है ही। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा फूडी है, खाने से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। जो इन्होंने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई है इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। जी हाँ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने करी है डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। तो ये बैंगलोर से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो वहीं से इनने अपना एक स्टार्टअप किया। जो इनका जो पहला स्टार्टअप आप बोल सकते हैं वो था एक छोटी से, इन्होंने एक कैफ़े खोला था ओल्ड टाउन कैफ़े के नाम से। मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा, लोगो लगा दूंगा उस जो कैफ़े का। अब इनका कैफ़े जो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्होंने नहीं बताया कि ये इस तरीके से कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो तो और उसके बीच में अगर आप कुछ और करने लग जाते हो तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या फिज़िकली हो। पर इनका खुद का मानना था कि मुझे खुद भी अपना कुछ ऐसा स्टार्टअप करना है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने स्टार्टअप्स नहीं करते, अपने बिजनेस नहीं करते, हम लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली इंजीनियर्स लोग जो इस समय अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मेरे मेंबर्स हैं इनरोल्ड मेंबर्स हैं कोर्स के, वो इंजीनियर्स ही हैं जो कि अपनी टेक्नोलॉजी को, जो करंट सिनेरियो को, कि सबसे ज़्यादा वही अवेयर हैं इस समय टेक्नोलॉजी के बारे में। प्लस अपने एक एक्सपर्ट्स की राय लेके अपने फूड टेक में काम करके बहुत ही अच्छे स्टार्टअप्स कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो होगी, ये क्या कर रहे थे। अब इनका जो ओल्ड टाउन कैफ़े था इन्होंने लगभग 7-8 महीने चलाए, काफ़ी इनका बिज़नेस अच्छा भी चला, इनके बिज़नेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करी। पर डे की इनकी सेल की अगर हम लोग बात करें तो 8 से 10 हज़ार होने लगी थी। तो और क्योंकि स्टार्टअप बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्ट हुआ था, तो इनको ज़्यादा फाइनेंशियल उतना बर्डन पड़ा भी नहीं। पर जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ तो उनको वो अपना कैफ़े बंद करना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता है। यहीं से इनके दिमाग में आया कि मुझे अपनी टेक्नोलॉजी और अपने फूड के जो पैशन को लेके हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, अगर हम कभी भी सोच लेते हैं फूड बिज़नेस में करने का तो ये एक प्रकार से नशे की तरह होता है, ये हमें एक नशे की तरह लग जाता है। और हम लोग लाइफ में कभी ना कभी अपना फूड का स्टार्टअप जरूर करते हैं, चाहे अगर हम लोग एक बार फेल भी हो चुके हैं, पर हम दोबारा उठ के करने की जरूर कोशिश करते हैं। पर ये फेल नहीं हुए थे, इनको अपने जो स्टार्टअप है प्रॉपर तरीके से करना था। पहले जो इनकी कंपनी थी कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन इस समय इन्होंने मील मेट के नाम से, मैं यहाँ लोगो लगा दूंगा, मील मेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी खोली। और मील मेट के नाम से ही इनका जो क्लाउड किचन है, अब ये एक फ्लैट से ऑपरेट करते हैं जो कि बेंगलुरु में है, और वहीं से ये अपना जो बिज़नेस रन करते हैं। अब ये अपने जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, इनके ये जोमेटो पे लिस्टेड है, और ये अपनी खुद के राइडर्स के द्वारा भी बिजनेस कर रहे हैं। इनका बिजनेस काफ़ी इस समय अच्छा चल रहा है। इनके अगर आप फूड की वैरायटी देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब जब इनका जो पहला स्टार्टअप था, जो दूसरा स्टार्टअप था, उसमें अंतर क्या था। जो इनका जो पहला स्टार्टअप था वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं था। दूसरा, इनको जो पहले स्टार्टअप में कहीं भी इन्होंने किसी की गाइडेंस नहीं ली थी, क्योंकि इनको इस बारे में मालूम भी नहीं था। तो वहीं जब ये मेरे इनरोल्ड मेंबर बने तो इनका जो स्टार्टअप था वो एक तरीके से रजिस्टर्ड हुआ। दूसरा, इनको प्रॉपर इंसाइट्स जो हमारे रेस्टोरेंट्स के होती है, हमारे फूड बिज़नेस की होती है, वो पता चली, मैन पावर के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में, स्टाफ को मोटिवेट कैसे रखना है, क्योंकि वही आप बोल दीजिए हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमें ऑपरेशंस का ध्यान कैसे रखना होता है, हमारी फूड कॉस्ट के बारे में, हमारी डेली रिपोर्ट्स क्या होती है, इन्वेंट्रीज क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें इनको पता चली जो कि इनके पहले वाले बिज़नेस से मिसिंग थी। बाकी इनकी मेरी बातें होती रहती है क्योंकि ये मेरे इनरोल्ड मेंबर भी हैं, तो इनको ये सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि भैया अब मुझे आगे किस तरीके से और करना है। अब ये अपनी खुद की एक वेबसाइट भी बना रहे हैं जिससे कि लोग को और इजी हो जाएगा इनको ऑर्डर करना। इनका अभी भी इनके काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जो इनका बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनको इनका जो रेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। और अगर इनके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनके टोटल स्टार्टअप की बात करें, तो लगभग 1,60,000 करीब में इन्होंने बिल्कुल नया एकदम क्लाउड किचन का स्टार्टअप कर दिया है। इस क्लाउड किचन के अंदर ये अपना इंडियन खाना भी बना सकते हैं, अपना इटालियन खाना भी बना सकते हैं, अपना चाइनीज़ खाना भी बना सकते हैं, अपने तंदूर का खाना भी बना सकते हैं।
तो ये सारी कुजीन वो अपने एक ही क्लाउड किचन के अंदर से कर सकते हैं। अब इनके जो फ्यूचर प्लानिंग यही है कि जो इनका एक ब्रांड बिल्ड हो गया है, इसमें कुछ और वो नए ब्रांड्स लाएंगे ताकि कस्टमर के पास और ज़्यादा चॉइसेस बढ़े, और साथ साथ ये अपने अगर कुछ महीनों के बाद इनका जो मॉडल ये सक्सेस चल रही है तो ये उनको फ्रेंचाइजी मोड पर भी ले जाएंगे। मैं इनका नीचे व्हाट्सअप का नंबर भी डाल दूंगा, आप इनको अप्रोच कर सकते हो और आप इनकी स्टोरी इनसे पूछ सकते हो कि किस प्रकार ने इन्होंने सेटअप किया। बाकी अगर आप बेंगलुरु में हैं तो इनका खाना ज़रूर खाइएगा, ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप इसे इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अर्पित को मैं कहना चाहूँगा कि अर्पित आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इट अप, अपने जो काम कर रहे हैं उसे बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ करते जाइए, आप लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी आने वाले समय में मैं ऐसी स्टोरी और भी शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने को है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, या फिर अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप स्टार्टअप कर भी चुके हैं पर आपको जो इनसाइट्स नहीं होते हैं मालूम है, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।